खबर रायपुर से, जहां प्रदेश में 10 मई से ऑनलाइन शराब मिलेगी। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक शराब की होम डिलीवरी होगी और इसके लिए अग्रिम राशि का भुगतान आपको पहले करना होगा। बता दें, आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने इसकी जानकारी दी है और कहा कि अब 10 मई से ऑनलाइन शराब बिक्री की जाएगी। सुबह 9 से रात 8 बजे तक ऑनलाइन डिलीवरी होगी और शराब होम डिलीवरी शराब की जाएगी। 10 मई से शराब मिलनी शुरू होगी। सुबह 9 से रात 8 बजे तक शराब मिलेगी। अग्रिम राशि आपको इसके लिए देनी होगी, भुगतान आपको पहले करना होगा, उसके बाद शराब आपके घर तक ही पहुंचेगी। सुबह 9 से रात 8 बजे तक, बता दें, आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने खुद इसकी जानकारी दी है। 10 मई से अब ये शराब की बिक्री होगी, 10 मई यानी कल से। और ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता रवि मिरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, कल से यानी 10 मई से अब ऑनलाइन शराब की बिक्री होगी, ये आदेश सरकार की ओर से आया है, इसे लेकर क्या कुछ अपडेट्स? देखिए, छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग ने एक आदेश जारी किया है। इससे पहले भी आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भी संकेत दे दिए थे कि छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा और आबकारी विभाग के आदेश में यह बताया गया है कि कल से सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक होम डिलीवरी की जा सकती है, जिसमें ऑनलाइन होम डिलीवरी हेतु उपभोक्ता द्वारा ऑनलाइन अग्रिम भुगतान किया जाना अनिवार्य है, जिसके बाद डिलीवरी बॉय उसके घर तक शराब छोड़ देगा। और पिछले लॉकडाउन में भी हमें देखने को मिला था कि इसी प्रकार की व्यवस्था की गई थी। पिछले बार भी नशीली दवाइयों के सेवन से कई लोगों की जान चली गई थी और इस बार भी बिलासपुर में जिस प्रकार से 9 लोगों की नशीली दवाइयों की नशे की लत ने उनकी जान ले ली थी और रायपुर में भी 4 लोगों की मौत हुई थी, तो निश्चित रूप से इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। लेकिन इस पर राजनीति तो आम बात यहाँ पर शुरू होने को है और बीजेपी ने भी कई यहाँ पर बयानबाजी शुरू कर दी है। लेकिन कल यही देखने को मिलेगा कि सोमवार को छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों को शराब यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा। जी, चलिए, शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। तो अग्रिम राशि का आपको भुगतान करना होगा, इसके बाद ऑनलाइन अब शराब मिलनी शुरू हो जाएगी।